दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक इंटरनेशनल बैन लगा चुके हैं, लेकिन WHO का कहना है कि इससे नेगेटिव असर पड़ेगा। इस मामले में ताजा जानकारी ये आ रही है कि जनूबी अफ्रीका से पहले यूरोप में ओमिक्रॉन मौजूद था और इसके साथ ही अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले पहले मरीज की तस्दीक हो गई। दुनिया भर के मुल्कों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि WHO के 6 में से 5 एरिया से अब तक 23 ममालिक से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं। अंदेशा इस बात का भी है कि ये वेरिएंट अभी कहीं ज्यादा देशों में फैलेगा। And the virus is in countries, in 23 countries now, and so that virus is available to many already. But travel bans do have a negative impact on the ability to ship samples out of a country. अभी तक ये माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को सामने आया, लेकिन नीदरलैंड और कुछ दूसरे ममालिक में मिले मामलों से इशारे मिल रहे हैं कि ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से बहुत पहले ही यूरोप पहुंच गया था, और यही सबसे बड़ी फिक्र की वजह है। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला है। ये शख्स साउथ अफ्रीका से अमेरिका लौटा था। खास बात यह है कि इस शख्स का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका था, हालांकि उसने हल्के असरात का तजुर्बा किया जिसमें अभी सुधार आ रहा है। मुतासिर ममालिक के अलावा 30 से ज्यादा मुल्कों ने इस वेरियंट को रोकने के लिए ट्रेवल बैन समेत अपने बॉर्डर तक सील कर दिए है। ओमिक्रॉन अब तक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में पहुंच चुका है। साउथ कोरिया में भी ओमिक्रॉन के 5 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्राजील, नाइजीरिया में भी पहली बार ओमिक्रॉन वेरियंट के केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के खौफ के चलते मलेशिया ने 8 ममालिक के मुसाफिरों की एंट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन जानकार ट्रेवल बैन को सही नहीं मान रहे। इनका कहना है कि वेरिएंट के प्रभाव और मौजूदा शक्ल को भी समझने में मदद मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।